तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो अगर आप आंगनबाड़ी सेविका हैं और पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है यानी कि बच्चों का वजन और लंबाई है, अगर आप लोग बच्चों का वजन और लंबाई हर महीने नहीं डालते हैं तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किन बच्चों का वजन कितने अंतराल पे किया जाता है और किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड किया जाता है। साथ ही साथ कुछ कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं कि उनको वजन और लंबाई डालते समय उनको एरर की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बच्चों का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है यानी हाइट और वेट यहाँ पे डाल के देखेंगे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और किन किन बच्चों का कब कब हम लोग हाइट और वेट डाल सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 से 6 माह वाले बच्चे की बात करेंगे। जो 0 माह के बच्चे हैं यानी कि जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम अगर यहाँ पे आप लोग हाइट और वेट डाल चुके हैं तो यहाँ पे आप लोग 1 महीने के अंतराल के बाद ही आप लोग उन बच्चों का हाइट और वेट डालना शुरू कीजिए। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बच्चों का हाइट और वेट डाला हुआ मिलेगा, क्योंकि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ रहता है उसी दिन हम लोग गर्भवती से धात्री में जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बच्चों का हाइट और वेट डाल देते हैं। तो इनका जो है कि हमें 1 महीने के बाद से इनका वज़न लेना शुरू करना है और 1 महीने के बाद से इनका वज़न और लंबाई डालेंगे तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का सिंबल है वो यहाँ पर दिखाने लगेगा, या जो जिस प्रकार का यहाँ पर इस बच्चे का ग्रोथ रहेगा उस प्रकार से यहाँ पे सिंबल दिखाने लगेगा। और चलिए यहाँ पे हम जो 1 महीने से बच्चे का उम्र ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे विकास की निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग में, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस महीने हम लोग उस बच्चे का वज़न किए थे तो उनका वज़न कितना था यहाँ पे हम लोग डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइट डालेंगे और यहाँ पे वज़न डालेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हमने उस बच्चे का हाइट सेंटीमीटर में डाल दिया है और यहाँ पे वज़न किलोग्राम में, यानी 5 किलो 200 ग्राम इस बच्चे का वज़न है। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, यानी कि इस महीने का जो इस बच्चे का वज़न है और हाइट है वो यहाँ पे डाला जा चुका है। तो देखिए अभी हमने जिस बच्चे का यहाँ पे हाइट और वेट डाला है, पहले इस बच्चे का यहाँ पे जो कलर दिखा रहा था वो ग्रीन दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, इसके नाम के ऊपर टच करना है। टच करने के बाद हम लोग इसका जो हेल्थ स्टेटस है वो चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा हेल्थ स्टेटस यहाँ पे खुल के आ चुका है, यानी कि ये जो बच्चा है अभी वेस्टेड में इसका जो स्टेटस दिखा रहा है वो ओवरवेट दिखा रहा है। स्टंटेड में इसका जो स्टेटस है वो सेवियरली स्टंटेड दिखा रहा है और यहाँ पर मॉडरेट अंडरवेट दिखा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे इस बच्चे का जो हाइट और वेट है वो यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 0 से 6 माह के बच्चे हैं उनका आप लोग हर महीने वज़न कीजिएगा। और जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो रेड कलर में शो करता है, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर तो अभी शो नहीं कर रहा है, अगर रेड कलर का वो बच्चा शो करता है यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है तो उस बच्चे का आप लोग हाइट और वेट 15 दिनों के अंतराल पे डालेंगे, क्योंकि जो बच्चा अति कुपोषित होता है उस बच्चे का हम लोग हाइट और वेट 15 दिनों के अंतराल पर डालते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर जो 6 माह से 3 साल वाले बच्चे हैं इनका भी हमें हर महीने हाइट और वेट पोषण ट्रैकर ऐप में डालने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप लोग हर महीने बच्चों का हाइट और वेट डालेंगे तो ये जो कैटेगरी है वो आपको दिखाएगी कि ये बच्चा नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, सेम मैम है, किस कैटेगरी में है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 माह से 3 साल वाले बच्चे का भी यहाँ पर हाइट वेट डालेंगे। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और विकास की ग्रोथ मॉनिटरिंग पर क्लिक कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग हर बच्चे का जो सेंटीमीटर में हाइट डालते हैं और वज़न जो है किलोग्राम में डालते हैं तो उसके यहाँ पे डाल लेंगे। और ये जो वज़न है वो आप लोगों को हर महीने
वजन और हाइट नापने के बाद ही यहाँ पे आप लोगों को डालने हैं। तो यहाँ पे हाइट और वेट डालने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस प्रकार से मैसेज आपको दिखा देगा। तो इस बच्चे का जो इस महीने का हाइट और वेट है वो यहाँ पे डाला जा चुका है। जैसे कि इसी प्रकार से आपको हर महीने जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 0 माह से लेके 3 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हर एक माह पे उनका वजन और लंबाई लेना है और आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं इनका हर तीसरे महीने पे हमको वज़न और लंबाई पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करने हैं। तो इसी प्रकार से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चों का वज़न और लंबाई हर महीने लेना है और उनका यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड कर देना है। इस प्रकार से अगर आप लोग हर महीने बच्चों का हाइट और वेट मापते हैं तो इन बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है उससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से बच्चे में क्या कमी है, जो बच्चे हैं उनका क्या स्टेटस है। यहाँ पे सभी स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में जो बच्चा दिखाई दे रहा है यानी ये जो बच्चा है वो अति कुपोषित बच्चा है। इस बच्चे पे आप लोगों को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको 15 दिनों के अंतराल पे हम लोग हाइट और वेट मापेंगे तो पता चलता रहेगा कि इस बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा दिखा रहा है। और इस पर अभी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो अति कुपोषित के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।